वाही प्रखंड में नेहरू युवा केंद्र रांची द्वारा फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया, जिसमें राज स्पोर्ट्स खटिंगा गोमंडी, अभिराम उच्च विद्यालय रंगा माटी, हाई स्कूल सताकी, हाई स्कूल डेकाद, नेहरू क्लब गोमंडी, गुवाही विद्यालय, यूथ क्लब दागादेह ने मैच खेला। विजेता हुए सताकी हाई स्कूल, उप विजेता राज स्पोर्ट्स खटिंगा। बालिकाओं ने भी खेला फुटबॉल मैच। प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय गोमंडी, अभिराम उच्च विद्यालय पुगड़ा रंगा माटी। विजेता हुए अभिराम उच्च विद्यालय, उप विजेता प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय गोमंडी। मुख्य अतिथि में शामिल हुए और विजेता उप विजेता टीम को पुरस्कार दिए। अश्विनी कुमार मेहता, खेल प्रभारी धर्मेंद्र यादव, पिंटू महतो, खेल रेफरी गणेश महतो, पंचम साइड रेफरी आसंदी पर विश्वकर्मा। विशिष्ट अतिथि उपस्थित हुए सुना न्यूज हरतल नजर के डायरेक्टर विनोद बनर्जी, संचालन करता वीर सिंह मुंडा, अभियोजन करता मुकेश महतो, सूरज कुमार महतो, सहयोग करता पिंटू महतो, माखन मेहर, बजरंग बड़ाइक, दामोदर अहीर, विश्वकर्मा अहीर, सुखदेव हजाम, संदीप महतो, दुर्गा चरण महतो उपस्थित थे। कि हमारे क्षेत्र में भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो रांची जिला में जाके हल्ला बोल सकते हैं, ऐसे हैं जो आज दिखे इस मैदान में। तो यही हौसला रख के रांची में भी यही तो आज यहाँ मैच सीखा दबंडी मैदान में, वही मैच जाके रांची में दिखाना है। जिला स्तर का मैच होगा तो पूरा स्टेट में जाके हम लोग आगे रखेंगे। तो ये आप लोगों को जोर शोर से तैयारी में लगना है, और जितने भी यहाँ पर दोस्त लोग हैं बहुत ही भारी मेहनत की, कड़ी धूप में अपना बहुमूल्य समय देकर इस मैदान को बनाने में और खेल में सहयोग देने में हमारे पिंटू भाई, मुकेश बाबू और बहुत सारे दोस्त हैं, बाकी सबका अपना नाम नहीं, उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस कड़ी धूप में अपना बहुमूल्य समय देकर हम लोगों को खेल को जागृति करने के लिए। नेहरू युवा क्लब द्वारा आयोजित फुटबॉल खेल के आयोजक मंडली को मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँगा, और यहाँ पर उपस्थित मीडिया के प्रभारी विनोद बनर्जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे मौके पर उपस्थित होकर के इस क्षेत्र की जो बच्चों में खेलने की प्रतिभा है इसको पूरे क्षेत्र में फैलाने का काम करते हैं। और मैं हमारे विद्यालय के खेल शिक्षक चंद्रकांत उराव जी को भी यहाँ न होते हुए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, कारण हमारे विद्यार्थियों का खेल मैं अब तक खेलते हुए नहीं देखा था, लेकिन आज मुझे लगा कि उनका प्रयास काफी सराहनीय रहा है। ये अन्यत्र जगह जाकर के भी अपना प्रदर्शन को बड़ी सुंदर ढंग से पेश करते हैं। खेल में वो तो हार जीत होती है, लेकिन हारने के बाद भी खिलाड़ियों का हौसला बुलंद रहना चाहिए, क्योंकि हार से ही जीत होती है और जीत से हार भी होती है। इसी आशा और उम्मीद को लेते हुए सभी खिलाड़ियों को मैत्री भाव से खेलना चाहिए, ताकि कहीं भी खिलाड़ियों का नाम रोशन हो। अनुशासित ढंग से खेल अगर यदि खेलते हैं तो ऐसे खिलाड़ियों की दर्शकों द्वारा
होते हुए टीम सता की टीम से है ना, तो कैसा महसूस हो रहा जीत कर? बहुत अच्छा। और आपको जिला स्तरीय भी ले जाने की बात हो रही है, तो क्या सुनकर क्या महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं। और अपने टीमों को? अपने टीमों को भी हार्दिक हार्दिक। Wear a helmet always.